नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपको प्रपोजल फॉर्म भरने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे आगे जाकर आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। इंश्योरेंस लेने का फर्स्ट स्टेप ही होता है प्रपोजल फॉर्म भरना, तो उसको हमेशा सही तरीके से भरें। अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, या आपने किसी बीमारी का इलाज कराया है, या आपका कोई सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री है, तो उसे छुपाना गलत है। इन सभी डिटेल्स को प्रपोजल फॉर्म में क्लियरली मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाकर के क्लेम रिजेक्शन, शॉर्ट सेटलमेंट या क्लेम डिले का सामना ना करना पड़े आपको। अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन या कोई रिस्की एक्टिविटीज के बारे में बिल्कुल सच बताएं, क्योंकि ये सब आपके इंश्योरेंस क्लेम पर असर डाल सकता है। नॉमिनी की डिटेल्स बिल्कुल सही से भरे, क्योंकि नॉमिनी का चयन करना आपके परिवार के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस या एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो उसे भी डिक्लेयर करें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई कंफ्यूजन है तो किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से हेल्प लें। फॉर्म भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा रीचेक करें, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। पॉलिसी रिसीव होने के बाद अगर आप डाउट में हैं कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप इंश्योरेंस समाधान के मोबाइल ऐप पॉलिफिक्स के नो योर पॉलिसी फीचर को यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पॉलिसी अपलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि जाने अनजाने में प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती ना हो गई हो। इस फीचर को यूज करके आप अपनी किसी भी पॉलिसी को स्कैन करके उसके एरर्स जान सकते हैं और समय रहते उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको क्लेम रिजेक्शन, शॉर्ट सेटलमेंट या क्लेम डिले का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे कुछ सजेशन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरने के लिए। अपने इंश्योरेंस क्लेम को आसान बनाने के लिए प्रपोजल फॉर्म बिल्कुल सही से भरे। थैंक यू।